सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे विद्यालय में MDM के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण का काम चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें खाद्यान्न वितरण का डाटा कैसे अपलोड करना है और बैंक की डिटेल्स कैसे हमको फिल करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप अपने फ़ोन में क्रोम पे टाइप करेंगे प्रेरणा UP, और आप ये जो सबसे ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको प्रेरणा UP की ऑफिशियल पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बैंक डेटा अपलोड, यहाँ पर अध्यापक लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अध्यापक लॉगिन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। अब आपने OTP भेजने पर क्लिक कर दिया तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको एक OTP आएगा। ये देखिए, नंबर पर OTP आ गया। अब यहाँ पर हम OTP टाइप कर देंगे। अब यहाँ रहा है यू आर ऑलरेडी लॉग्ड विद अनदर डिवाइस, आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें, फिर ओके पर आपको क्लिक कर देना है, फिर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, अब ये देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, इनमें आप जो नीचे के चार ऑप्शन हैं, अप्रैल से जून का डाटा, जुलाई से अगस्त का डाटा, तो यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर आप बैंक में जो आपने डाटा दिया था आप उस डाटा को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है 17 बच्चे रजिस्टर्ड थे, 70 उनमें से 67 का डाटा हमने बैंक में दिया था, तो यहाँ पर ये लिस्ट शो कर रहा है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं यहाँ से। और जो ऊपर के दोनों ऑप्शन हैं उन ऑप्शन से आप डाटा बच्चों का एंटर करोगे, जो नए बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं आपके स्कूल में या जो पिछली बार बच्चे रह गए हैं। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। साथियों, अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे हमें एक्सेल शीट भरनी है, कैसे हम नए बच्चों का डाटा दे सकते हैं।